मॉर्निंग टू एवरीवन। सुभाषित रत्नानी कक्षा 12 में हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत में, जिसके 3 श्लोक अभी शेष हैं जिनका आज हम पठन करने जा रहे हैं। देखिएगा पिछला श्लोक 12वां जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से श्लोक दोहरा लेते हैं। ध्यान से किताब सामने रख करके पढ़िएगा। कहा गया है कि कामान बुद्धे विप्रकर्षत्य रक्षणीयम कीर्ति उपायों से
के इसमें बहुत ही रहस्यमय बात कही गई है, गंभीरता से समझने की बात है। कहा गया ना फल निश्चित ही नहीं हो सकती, वह उपाधि बाहरी उपायों से प्रीतयः प्रीतयः प्रीति शब्द को आप समझते हैं प्रेम, संस्वयं से आश्रित, संस्वयं से का अर्थ है आश्रित होना या स्थित होना। तात्पर्य प्रेम जो होता है वो बाहरी उपायों पर निर्भर नहीं करता, वो स्वतः किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या कोई निर्जीव वस्तु हो, उसके किसी एक गुण, किसी एक कला के प्रति मन के जो भाव हैं उन्हीं के कारण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ना कि किसी बाहरी उपाय से। कोई आपसे कहे कि आप इस चीज को पसंद कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है, तो शायद आपको वस्तु पसंद ना आए, उससे आपको कोई लगाव ना हो, किसी और वास्तव में लग जाए, तो संभव है कि प्रीति संभव हो सकती है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि दो पदार्थों के आपस में मिलने का कोई कारण होता है, प्रेम जो है वो बाहरी उपायों पर निर्भर नहीं होता। आश्रित होने का मतलब क्या, निर्भर होना, किसी के दबाव में आकर के मन में प्रेम की भावना का संचार नहीं होता है। प्रेम तो स्वतः उत्पन्न होने वाली है, पवित्र चीज। इस श्लोक में यही बताया गया कि ना खलु निश्चित ही नहीं है, संस्वयं ते अर्थात आश्रित बहिरुपाधि बाहरी उपायों पर प्रीतया है, प्रेम जो है निश्चित ही बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता। उसका अपना कोई एक कारण होता है, कुछ अच्छी चीज हमको सामने वाले में या सामने वाली वस्तु में दिख जाती है और अपने आप उसके प्रति लगाव हो जाता है, दबाव में आता है। जैसे उदाहरण देखिए, विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, पुंडरीक कहते हैं कमल को, देखिए शब्दार्थ यहाँ से हटा रहे हैं, पुंडरीक का अर्थ होता है कमल। कमल कब खिलता है, जब सूर्योदय होगा। आप कैसा भी प्रकाश का उपाय कर लीजिए, बड़ी बड़ी लाइट लगा दीजिए या एक साथ सहस्त्रों चंद्रमा निकल आवे, कमल नहीं खिल सकता। ठीक है, कमल कब खिलेगा, सूरज के निकलने पर। देखिए कहा गया है विकसति ही, विकसति का अर्थ है खिलना, खिलना। पतंगस्य उदये, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है। ठीक है, पतंग उदये शब्द का अर्थ क्या, उदय होने पर, पतंगस्य उदये सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खेलता है। और देखिए पुंडरीक शब्द है, इसे इसका अर्थ भी लिख देते हैं हम, कमल कब खिलेगा, जब सूर्य निकलेगा। ठीक है, कहा गया है कि व्यक्ति से यदि पदार्थानांतर को भी हेतु दो पदार्थों के आपस में मिलने का कोई कारण होता है, न खलु बहिरुपाधि प्रीतया संस्वयन्ते, निश्चित ही प्रेम बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता है। जैसे विकसति पतंगस्य उदये पुंडरीकः, कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, और द्रवति च हिमरश्मि उत्पते चंद्रकांतः। देखिए द्रवति, द्रवति द्रवित होने का क्या, यहाँ द्रव शब्द को देखिए, द्रव का क्या होता है, तरल पदार्थ, और एक साधारण सा द्रव जो सबके पास हमेशा उपलब्ध हो, क्या रहता, पानी, जल। ठीक है, चंद्रकांत एक मणि होती है, चंद्रकांत एक पत्थर है, एक मणि है, जैसे स्फटिक होता है, ठीक है, एक रत्न कह सकते हैं हम लोग, जिसको जैसे हीरा वगैरह होता है, ऐसे मणि रत्न जो भी कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रकांत मणि की एक खासियत है, इसको अगर चंद्रमा के प्रकाश में रख दिया जाए तो इसमें से थोड़ी देर में धीरे धीरे पानी छूटने लगता है, और उस चंद्रकांत मणि से छूटे हुए पानी को वैद्य लोग, आयुर्वेद के आचार्य लोग अपनी औषधियों में प्रयोग करते हैं। वो एक पत्थर होता है, जैसे आप देखते हो द्राक्ष एक फल का बीज है, लोग स्फटिक आदि की मालाएं पहनते हैं, स्फटिक एक पत्थर है, हीरा देखिए पत्थर होता है, मोती भी एक पत्थर है, ऐसे चंद्रकांत भी एक चमकीला पत्थर है, जिसको मणि कहा गया है। चंद्रकांत मणि 10 मणियों में से एक है। चंद्रकांत मणि
के लिए आप उसको कहीं भी किसी भी जगह से कलता में रख दीजिए, उसमें से पानी नहीं छूटने वाला। लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में उसको खुले में रख दिया जाए, उससे अपने आप ही धीरे धीरे हल्का फुल्का पानी पसीजने लगता है। ठीक है, उस चंद्रकांत मणि के छूटे हुए पानी को भी वैद्य लोग औषधियों में प्रयोग करते हैं। अपने आप जैसे शरद पूर्णिमा की रात आती है तो जिनके पास चंद्रकांत पत्थर होता है वो उसको चंद्रमा के खुले प्रकाश में रख देते हैं। तो यहाँ यही चीज कहा गया कि जैसे सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है और द्रवती च पानी छोड़ता है, चंद्रकांत चंद्रकांत मणि हिमरस में उद्गते। हिमरस में कहा गया है चंद्रमा, हिम रश्मि, रश्मि का अर्थ होता है किरणें और हिम का अर्थ है बर्फ। बर्फ कैसी होती है? शीतल अर्थात जिसकी शीतल किरणें होती है वो कौन है? चंद्रमा। उद्गते शब्द का अर्थ उगना, चंद्रोदय उदित होना, सूर्य के लिए उदित शब्द का प्रयोग है उदय और चंद्रमा के लिए उद्गते। ठीक है, इसी को उद्गते भी कहा गया है। तो जैसे सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है, चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रव छोड़ती है, उसी प्रकार किसी भी दो पदार्थों के आपस में मिलने का कोई कारण होता है, प्रेम कभी बाहरी उपायों पर आश्रित नहीं होता, वो भी स्वाभाविक ही उत्पन्न होता है। तो इस श्लोक लिखिएगा। दूसरा यानी कि 14वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। कहा गया है कि निंदन नीति निपुणा यदि वास्तुबंध लक्ष्मी समाविशत गच्छत हुआ यथेष्टम अद्यैव वा मरणम युवान करे वा न्यायात कथा प्रविचलंती पदम न धीरा। अद्यैव जो बुद्धिमान होते हैं, धैर्यवान बुद्धिमान सज्जन जिनको कहा गया सत्पुरुष कहते हैं, इनकी एक बहुत खास बात है, कोई व्यक्ति इनकी लाखों निंदा करे, बहुत बुराई करे, इन्हें कोई परवाह नहीं है, जो बुराई कर रहा है वो करता रहे, और चाहे कोई इनकी बहुत अच्छाई हो, प्रशंसा हो, बड़ाई करता हो, उसकी भी परवाह नहीं है। ये तो सदैव अपने कार्य में लगे हुए हैं, इन्हें किसी की निंदा अथवा किसी की प्रशंसा से कोई तात्पर्य नहीं है। इनके पास जो अच्छे लोग सत्पुरुष हो, इनके पास धन हो या ना, लक्ष्मी आए अर्थात धन आवे या ना आवे, चाहे जहाँ चला जाए जो है वो भी खर्च हो जाए, इन्हें उसकी भी परवाह नहीं है। आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, बहुत लंबी आयु मिले, उसकी भी परवाह नहीं है, चाहे जो भी कठिनाई आवे, चाहे जितना भी सुख आवे, जो धैर्यवान हैं जो बुद्धिमान हैं वे लोग न्याय के पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते, मतलब इधर उधर थोड़ा सा भी न्याय के सत्य के मार्ग से नहीं होते। जैसे कि आपने पिछले श्लोक में पढ़ा कि उदय की सविता ताम्र, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य कैसा ताम्र जैसा लाल होता है, और एवं अस्त में दिशा जब अस्त होता है तब भी लाल होता है, यानी उदय होते समय भी अस्त होते समय भी। उसी तरह से जो धैर्यवान बुद्धिमान लोग हैं वो संपत्त चाहे विपत्त हो, चाहे सुख हो संपत्ति आए और चाहे विपत्ति आए, वो सदैव एक जैसे ही रहते हैं, माताम एक रूपता सदैव एक समान। तो ऐसे यहाँ धीर वीर पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि जो धैर्यशाली बुद्धिमान लोग हैं वो किसी भी प्रकार से ना तो वो अच्छे समय के आने पर सुख समृद्धि के प्राप्त होने पर अभिमान या उन्माद में लीन होते हैं और ना ही विपत्ति आने पर धैर्य होते हैं। देखिए कहा गया है कि निंदन तो नीति निपुणा, निंदन तो करते हैं निंदा की जाए बुराई की जाए, नीति निपुणा आप जानते हैं नीति में निपुण, नीति निपुणा का तो नीतियों में निपुण, नीति क्या छह तरह की नीतियां हैं जो वेदांत कहे गए हैं। फिलहाल नीति का अर्थ है कार्य में कुशलता, किसी भी कार्य को करने का सही तरीका जानने वाले लोग ही नीति में निपुण कहे जाते हैं। तो नीति में निपुण बुद्धिमान लोगों की निंदन तो अर्थात निंदा की जाए, यदि वास्तुं तो चाहे स्तुति की जाए प्रशंसा की जाए। ठीक है, जो सत्पुरुष हैं जो सत्य प्रतिज्ञ होते हैं सज्जन होते हैं ऐसे व्यक्तियों की चाहे निंदा की जाए चाहे स्तुति की जाए। और लक्ष्मी समाविशत, लक्ष्मी अर्थात धन समाविशत पास आवे, उनको धन प्राप्त हो, गच्छत हुआ यथेष्टम, गच्छत हुआ अर्थात चला जाए, यथेष्टम चाहे जहाँ, यथा इष्टम, यथा माने जहाँ, इष्टम माने चाहे, जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, अर्थात कहीं भी उनका धन खर्च हो जाए समाप्त हो जाए। लक्ष्मी समाविशत धन आवे,
मरेगा, युग अंतरे अर्थात युगों के बाद हो, चाहे आदमी मृत्यु हो जाए चाहे युगों के बाद हो, न्यायात पथः न्याय के पथ से पदम न प्रविचलन्ति, पदम अर्थात पग भर भी एक कदम भी न प्रविचलन्ति, विचलित नहीं होते, डगमगाते नहीं हैं धीरा बुद्धिमान लोग। इस तरह की बात कुछ देखें, नीति में निपुण लोगों की निंदा की जाए चाहे स्तुति की जाए, लक्ष्मी समाविष्ट हो, लक्ष्मी आवे, गच्छत हुआ यथेष्टम अथवा चाहे धन चली जाए, अद्यैव वा मरणम आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा अथवा युगों के बाद हो, न्यायात पथः न्याय के पथ से प्रविचलन से पदम न धीरा, धीर धीर लोग एक पद भी विचलित नहीं होते हैं। अब अंतिम श्लोक है आपका जो पंद्रहवा है, पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि जो स्वंदताम वाचः सत्य और प्रिय वाणी है इसको ऋषियों ने क्या कहा, कामधेनु, ऐसी गाय है जो इच्छाओं को पूरी कर देती, इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। अब वह वाणी जो दंड होती है, अभिमान पूर्ण होती है, जिसमें कर्कशता है, उसको ऋषियों ने क्या कहा, बुद्धिमानों ने क्या कहा, उसको राक्षसी कहा। दुष्टों की वाणी जो है वो ऐसी राक्षसी है जो केवल विनाश ही कर सकती है। पिछले श्लोक में मैंने बताया किसी से आप शांत स्वभाव में सरल भाव से बातचीत करेंगे वो आपकी बात को मानेगा सुनेगा समझेगा, लेकिन किसी से कड़वे स्वरों में बात कीजिए तो वो भी झगड़ा कर लेगा आपसे, युद्ध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। इसी तरह देखिए सीधे ऋषयोः अर्थात ऋषियों ने राक्षसीम आह राक्षसीम अर्थात राक्षसी कहा, आहु कहता है कहना, आहु अर्थात कहना, पहला शब्द आपका है ऋषयो, ऋषियों ने राक्षसी कहा है किसको, वाचम उन्मत्त द्वितयो, वाचम अर्थात वाणी को, वाचम कहता है वाणी, ऋषियों ने किस वाणी को राक्षसी कहा है, उन्मत्त द्वितयो, उन्मत्त अर्थात जो उन्माद से भरे हुए होते हैं अभिमानी, और द्वितयो का अर्थ भी वही है, द्वितयो जिनको दर्द होता घमंड गर्व होता स्वयं पर, ठीक है, उन्मत्त द्वितयो, ठीक है, यहाँ हम लोग इनको दुष्ट भी कहते हैं। दुष्टों और अभिमानियों की वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा, दुष्टों और अभिमानियों की वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा। सा योनि, सा माने वह, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, सा वह योनि जन्म देती है, योनि का है जन्म देती है, यह वाणी दुष्टों की है, इसे जन्म देती है, सर्व वैराणाम सभी प्रकार से, सर्व अर्थात सभी प्रकार से, वैराणाम अर्थात शत्रुता, दुष्टों की वाणी सदैव शत्रुता को ही जन्म देती है, सा ही लोकस्य निवृत्ति, लोकस्य अर्थात संसार के, लोकस्य अर्थात संसार के निवृत्ति, ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे निवृत्ति का अर्थ है विपत्ति, ठीक है, विपत्ति विनाश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दुष्टों और अभिमानियों की वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है क्योंकि यह वाणी केवल शत्रुता को जन्म देती है और संसार के लिए विपत्ति का कारण होती है। श्लोक देखिए, ऋषयोः राक्षसीम आहु, ऋषियों ने राक्षसी कहा है, वाचम उन्मत्त द्वितयो, वाचम अर्थ है वाणी को, उन्मत्त द्वितयो, उन्मत्त अर्थात अभिमानी, द्वितयो अर्थात दुष्टों, दुष्टों और अभिमानियों की वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है क्योंकि सा योनि वह जन्म देती है सर्व